अक्टूबर में चार ग्रह बदल रहे हैं राशि। कुछ राशियां होंगी बेहाल और कुछ करेंगी कमाल। देश दुनिया पर भी पड़ेगा गोचर का असर। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। अक्टूबर का महीना भी ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की हलचल जारी रहेगी और ग्रहों की हलचल का ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत महत्व रहेगा। अक्टूबर महीने में मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और बुध ग्रह जो है वो वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति और शनि इस महीने अपने अपनी राशियों में मार्गी अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में मार्गी रहेंगे और शनि देव अपनी मकर राशि में मार्गी रहेंगे। इसी तरह राहु और केतु भी अपनी अपनी राशियों में वक्री अवस्था में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु मंगल की वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में अपना गोचर जारी रखेंगे। चंद्रमा तो हर अढ़ाई दिन बाद अपनी राशि बदलते रहते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर महीने में ग्रहों की बड़े लेवल पर होने वाली हलचल के बहुत दूरगामी असर होंगे। देश दुनिया पर भी असर पड़ेंगे और सभी 12 राशियां इससे प्रभावित होंगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बदलाव भी देखने को मिलेंगे। अक्टूबर महीने में जो ग्रहों की हलचल है, ग्रहों का ये जो परिवर्तन है, इसकी शुरुआत मंगल ग्रह से होगी। मंगल ग्रह 4 अक्टूबर को अपनी मेष राशि से देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे और फिर 24 दिसंबर को मीन राशि से दोबारा मेष राशि में आ जाएंगे, जो उनकी अपनी राशि है। बुध ग्रह, जिन्हें बुद्धि, विवेक, वाणी, त्वचा और लेखन का कारक माना जाता है, वह 14 अक्टूबर को 6:30 बजे तुला राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे और 3 नवंबर 2020 को फिर से मार्गी होकर के शुभ स्थिति में आ जाएंगे। ज्योतिष में आत्मा का कारक माने जाने वाले सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर को बुध की कन्या राशि से शुक्र की तुला राशि में आ जाएंगे। सूर्य को हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना गया है और हमारे शास्त्रों में सूर्य को देवता का दर्जा दिया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र और हमारी संस्कृति में सूर्य का जो राशि परिवर्तन है उसे एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इसी तरह ऐश्वर्य, विलासता, ग्लैमर, सौंदर्य और सुख समृद्धि के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह 23 अक्टूबर को सुबह 10:40 पर सूर्य की सिंह राशि से बुध की कन्या राशि में आ जाएंगे और ये कन्या राशि जो है वो शुक्र की नीच राशि है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, उस व्यक्ति पर वह सुख सुविधाओं की बरसात करते हैं, प्रेम रस से लेकर के जीवन के सारे रस हमें प्रदान करते हैं। लेकिन यही शुक्र जब नीच हो जाते हैं तो कई शुभ फलों में कमी ला देते हैं, जिंदगी को थोड़ा नीरस बना देते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि अक्टूबर माह में ग्रह गोचर की जो स्थिति बन रही है और जिस तरह 4 ग्रह राशि बदल रहे हैं, उससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की हलचल देखने को मिलेगी। रियल स्टेट और आईटी सेक्टर के लिए ये बढ़िया रहने वाला है ग्रहों का ये जो परिवर्तन है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी कोई बड़ी सफलता हासिल होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह का औषधियों पर आधिपत्य माना गया है। सभी 12 राशियां अक्टूबर महीने में ग्रहों की हलचल से प्रभावित होंगी। मैं बताना चाहूँगा सभी 12 राशियों के बारे में। पहले हम मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विदेश से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बेहतर पैकेज पर आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं, अच्छे ऑफर आएंगे आपको। अब हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों को बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर खास फोकस रखना होगा, किसी को उधार देने से बचना होगा और साथ ही किसी की गवाही देने से भी
आपको बचना होगा, ऐसी स्थिति को टालना होगा। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के जो लंबे समय से अटके हुए काम थे वह बनते चले जाएंगे, आमदनी के कई नए सोर्स खुलेंगे, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और ये जो प्रेम संबंध है वो शादी में भी तब्दील हो सकते हैं। कर्क राशि वालों को मिले जुले फल प्राप्त होंगे। कुछ पेंडिंग कार्य सिरे चढ़ने से जहाँ आपको प्रसन्नता हासिल होगी, वहीं परिवार में किसी सदस्य के साथ आपका विवाद भी हो सकता है जिसे टालना आपके हित में रहेगा। अब सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के स्वभाव में थोड़ी उग्रता आ सकती है, कार्यक्षेत्र में किसी से विवाद भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है तो उसका जो फैसला है वो आपके पक्ष में आ सकता है, आपको उसमें सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों को अभी इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। जो लोग अभिनय से जुड़े हैं, जो लोग गीत संगीत से जुड़े हैं, जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, उन्हें फिलहाल उनके लिए समय उतना माकूल नहीं कहा जा सकता, अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। थोड़ी मायूसी उन्हें हासिल हो सकती है, अगर रिलेशनशिप में है तो थोड़ी निराशा मिल सकती है। तुला राशि वालों को अच्छी खबरें मिलेंगी, कार्यक्षेत्र का विस्तार भी होगा, बिजनेस के नए एग्रीमेंट हो सकते हैं जो मुनाफा देंगे, प्रमोशन के योग भी हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हैं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो सकता है, अधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे। अब वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के भी इनकम के नए सोर्स डेवलप होंगे और पारिवारिक संपत्ति को लेकर किसी विवाद का सामना करना भी पड़ सकता है। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी, यानी मिला जुला रहेगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनके सिरे चढ़ने का समय अब आ गया है, उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनके सिरे चढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा, ग्रह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए समय शुभ रहेगा, घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, समाज में और कार्यक्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, कोई महत्वपूर्ण दायित्व संभालने का आपको ऑफर मिल सकता है और आपको ये ऑफर चूकना नहीं चाहिए, ये प्रस्ताव आपको चूकना नहीं चाहिए। कुंभ राशि वालों की बात करें तो भाग्य मेहरबान रहने वाला है, भले ही कुछ शुरुआती अड़चनें आएंगी लेकिन उसके बाद सफलता मिलती जाएगी, व्यापार में भी मुनाफा होगा। अंतिम राशि है मीन राशि, और जो मीन राशि के जातक हैं अगर वो विवाह योग्य हैं तो उन्हें अच्छे प्रस्ताव आएंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पक्ष का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपकी संतान विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक है तो संतान के सपने पूरे हो सकते हैं। आज की पोस्ट में बस इतना ही, मैं गुरमीत बेदी